यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर वोटिंग हुई और उसका परिणाम जल्दी आने वाला है, लेकिन इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी जमकर हुई। क्रॉस वोटिंग के अटकलों से यूपी की सियासत गर्म है। 10 सीटों के लिए हुई वोटिंग में बीजेपी ने अपने सभी 8 प्रत्याशियों की जीत का दावा ठोक दिया है, जबकि सपा के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और ऐसे में क्रॉस वोटिंग को लेकर के सियासत तेज हो गई। दरअसल पोलिंग एजेंट रहे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट किया है। क्या कुछ कहा है शिवपाल ने, पहले आप एक बार सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है, भारी लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का भारतीय जनता पार्टी ने उल्लंघन किया। पल्लवी पटेल जी आखिरकार मान गई पहले शुरुआती दौर में। हालांकि अखिलेश यादव ने भी अब इस पर रिएक्शन दिया है। अखिलेश यादव पहले जब मीडिया से बात कर रहे थे तो लगातार वो अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एक फोटो ट्वीट करते हुए उन्होंने एक भावुक सी पोस्ट लिखी। उन्होंने एक्स अकाउंट से हार के संकेत तक दे दिए। उन्होंने लिखा कि ये चुनाव एक परीक्षा है। अखिलेश ने लिखा, हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ। अब सब कुछ साफ है, ये तीसरी सीट जीत की है। यानी उन्होंने अपनी जीत के लिए बात तो कही, लेकिन संकेत ऐसे भी हैं। इस पूरी टूट फूट और राज्यसभा चुनाव ने खलबली मचा दी है समाजवादी पार्टी के अंदर। वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने तो कहा कि हमारे प्रत्याशी जीत चुके हैं, 102 वोट मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कई बार बरसात के मौसम में कुछ कुकुरमुत्ते उगाते हैं, उसके बाद वो खुद खत्म हो जाते हैं। उनका इशारा बहुत बड़ा था, खासकर उन बागी नेताओं और जिन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट न देकर बीजेपी के प्रत्याशी को दिया है उनके लिए। वहीं इस बगावत को लेकर के जो सबसे बड़ा चेहरा था वो था पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे। मनोज पांडे ने कैमरे के सामने ये कहा कि हमने जिसे वोट देना था उसे दे दिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप पर गद्दारी का आरोप है, आप ये कहे जा रहे हैं कि आपने पूरा खेल खराब कर दिया है और आपने पूरी तरह से धोखा दिया है, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसे आरोप लगते रहते हैं। क्या कुछ कहा है मनोज पांडे ने, सुनिए। बहुत बार जनता ने वोट देने का मौका दिया। समाजवादी पार्टी खरीद फरोख्त हुआ है, आपके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग। चलिए ठीक है, कुछ कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो आरोप पर बता दिया, नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे, हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। दरअसल ये चुनाव योगी और अखिलेश के लिए बेहद कड़ा था। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए कुछ ही वोट चाहिए थे तीसरे प्रत्याशी को जीतने के लिए, लेकिन बीजेपी ने पूरा खेल पलट दिया और यही वजह है कि 3-3 बार गिनती रुक चुकी है और अभी भी परिणाम नहीं आया है। अब देखना है राज्यसभा चुनाव का परिणाम किस करवट बैठता है, क्योंकि दावे तो अपने अपने हैं, लेकिन जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है उसने यूपी की सियासत को एक बार फिर से गर्मा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।